बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू को लेकर काफी लाइमलाइट में हैं और हाल ही में यामी गौतम को स्पॉट किया गया रियल सुपर ड्राई के नाइट इवेंट, जहां यामी नजर आई स्टाइलिश डेनिम ड्रेस में काफी कूल। वहीं उन्होंने अपने फिल्म को लेकर क्या कुछ खास बातें की, चलिए सुनाते हैं आपको। था वो मैंने किया ही इस वजह से था, ऑफकोर्स पहली बार श्रीक्षा के साथ काम करना है, किसी फिल्म के साथ जुड़ना, शाहिद के साथ काम करना, बट जो किरदार है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की का किरदार है, जो एक ऑफकोर्स एक लॉयर है, शी हैज़ हर ओन ओपिनियन, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस के साथ जो जिन्हें भी वो डिफेंड कर रही हैं वो कर रही हैं। सो आई लव द पार्ट एंड इट्स द जो लास्ट के ऑफकोर्स क्योंकि एक सोशल मुद्दे पे एक बेस्ड है एक फिल्म, तो बहुत ज़रूरी है इसमें एक लीगल पर्सपेक्टिव ऑल्सो इस फिल्म में आना। और जी नहीं, ऑनेस्टली मेरे दिमाग, ऑफकोर्स आई एंजॉयड ऑल दीज परफॉर्मेंसेज स्पेशली पिंक में आई थिंक मिस्टर बच्चन, बट ऐसे दिमाग में कोई भी नहीं था। और अच्छी बात है कि होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देन आप खुद भी ज़रूरी है आप कुछ अपना ही क्रिएट करें, क्योंकि और भाषा भी काफ़ी अलग है, इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट हिंदी दैट आई हैव एवर यूज्ड। तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी, एक सेशन मैंने अटेंड किया था एंड आई थॉट वो एक काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे मैं खुद आई कैन सिट एंड सी एंड वॉच एंड लर्न समथिंग। एंड आई आस्क थोड़े क्वेश्चंस पूछे मैंने उनको कि क्या जैसे हमारी मूवीज में होता है ऐसे ही होता है क्या, जैसे आप थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं पिक्चरों में, इतना नहीं होता है, बट हाँ वहाँ पे भी होता है ड्रामेटिक्स एंड थोड़ा सा हंसी वसी हो जाती है, बट एंड स्पेशली इन लोअर कोर्ट्स एक कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। सो आई थिंक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था दैट रियली हेल्प मी, एंड देन बाकी जो जैसा आपको जब आप देखेंगे तो आप जजमेंट तो आप असली पास। नेक्स्ट नाइन लाइफ से चांदनी की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।